सब्सक्राइब कीजिए स्वाद दिल्ली बाय मेहराब को और बेल आइकन दबाइए। तो ये है आज की हमारी रेसिपी फ्राई गोश्त, टेस्टी टेस्टी एंड सिंपल। तो चलिए सीखते हैं इसे बनाना। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। और बकरीद पे ये स्पेशल बनाई जाती है, बहुत अच्छी बनती है ये और सिंपल भी। तो सीखते हैं इसे बनाना। ये मैंने 1 किलो करीब गोश्त लिया है और इन्हें इस तरीके से पतले पतले तरीके से मैंने इनको काट लिया है। इस तरीके से बड़े बड़े पीस होते हैं, तो आप किसी सीज़र की मदद से या कैंची की या फिर चाकू की मदद से इस तरीके से आप इसे पतला पतला बारीक बारीक काट लीजिए। गोश्त अगर बाज़ार से मंगाया है तो बड़े बड़े पीसीस को आप दो दो पीसीस कर दीजिए इस तरीके से। छोटे पीस करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे इसके मसाले इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। 4 बड़े नींबू का रस जो मैंने निचोड़ कर रख लिया है, 50 ग्राम के करीब है हमारा बेसन, 25 ग्राम के करीब है हमारी कॉर्नफ्लोर। अगर ये नहीं है आप तो इसे स्किप कर सकती हैं। ये 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक का पेस्ट है और 1 बड़ा चम्मच भर कर ही लहसुन का भी पेस्ट है। और ये है हमारे कुछ पाउडर मसाले, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर है और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च है और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच नमक है। और ये है फूड कलर। आप अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। और ये है 250 ग्राम हमारा दही। दही हमने चम्मच से फेंट कर रख दिया है। अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है और इसमें हम सारा ही गोश्त इसमें हम डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच के करीब 1/2 चम्मच दही। थोड़ा सा हमें बचा लेना है, वो हम फ्राई में यूज़ करेंगे। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब नमक, नमक ताकि अच्छी तरीके से की बोटियों में बैठ जाए और टेस्ट आए नमक का। और 1/2 चम्मच हम इसमें मिर्च पाउडर भी डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए इसमें ऐड करेंगे अब हम 2 चम्मच के करीब ऑयल। अगर गोश्त आपका पहले से ही चिकना है तो आप ऑयल यूज़ ना करें, अगर गोश्त आपका रूखा हो तब आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें लगा देंगे इसका ढक्कन और इसमें आने देंगे हम सीटी इसके गलने तक। अब एक बर्तन में हम ऐड करेंगे दही और नींबू का अर्क, इसे छान कर यूज़ करें। इसमें बीच में कड़वाहट होती है इस तरीके से। और हम इसके सारे ही मसालों को इसमें डालकर एक पेस्ट हम इसको तैयार करेंगे फ्राई के लिए। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, बेसन और सारे पाउडर मसाले। इनको डालने के बाद हमें इनको करना है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स, सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है हमारी इसकी फ्राई ग्रेवी। इसकी हम कोटिंग करेंगे अपने गोश्त पर। इधर 6 से 7 सीटी मैंने इसमें ले ली हैं और ये अच्छी तरीके से गल चुका है, लेकिन इसमें पानी हमें नज़र आ रहा है, वो हम इसे तेज आंच पर खुशक कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरीके से अब खुशक हो चुका है।
इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप इस तरीके से चम्मच हिला के देख सकते हैं। अब हम अपनी बनाई हुई ग्रेवी में इसे ऐड करेंगे। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप फ्राई गोश्त बनाएंगे तो आप इसका जायका कभी भूल नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह मैंने ये बहुत मेहनत से रेसिपी आपके लिए बनाई है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सारा गोश्त हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है और जो मसाला हमारा कुकर में लगा हुआ था हमने वो भी इसी में डाल दिया है और अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिला के इसे मिक्स कर रहे हैं। इसे फुल तरीके से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसे ऐसी रख दें तो और बेहतर है। इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से गोश्त में स्वाद इसका पेवस्त हो जाएगा, मतलब इसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे ही फ्राई कर सकती हैं और अगर आपके पास टाइम हो तो आप किसी बर्तन से इस तरीके से ढककर आधा घंटा रख सकती हैं। आधे घंटे के लिए हमने इसको रख दिया था, अब ये बिल्कुल तैयार है फ्राई के लिए। तो चलिए करते हैं अब हम इसे फ्राई। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, अब ये बिल्कुल परफेक्ट गरम है। अब एक एक पीस करके हम इसमें डालेंगे। तेल हमेशा ध्यान रखें तेज़ होना चाहिए, खूब तेज़ गरम होना चाहिए ताकि ये जल्दी जल्दी फ्राई हो चुके। गला तो हम इसे पहले ही चुके हैं तो बस अब हमें इनको कोटिंग करनी है इसकी, फ्राई मसाले की। इस तरीके से मैंने सारे ही पीसेस एक एक करके डाल दिए हैं और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इन्हें फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे, हाथ के हाथ इसे ना पलटें, फ़ौरन ही बाद कभी आप इसको पलटें तो इसकी कोटिंग हट जाएगी। देखिए हमने सारे ही पीस थोड़े थोड़े करके पलट दिए हैं। अब 1 से 1.5 मिनट हम इस साइड से भी इसको फ्राई करेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट हमें फ्राई करते हुए हो गया है और देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसका। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, बाकी बचा हुआ भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए सारा गोश्त हम फ्राई कर चुके हैं और हमने सारा ही इस प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, इसको टेस्ट को दुगना करने के लिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप चाट मसाला ऊपर से छिड़क दें तो। और थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता और इसे सर्व करेंगे हम नींबू के साथ और इसके साथ खाई जाने वाली चटनी पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ बनाइए, इसका स्वाद दुगना हो जाता है उस चटनी के साथ में। और इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से बनाएं। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।